वालेकुम नाजरीन कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर फाइन ग्रेट और मज़े में सब मज़े कर रहे हैं ना मैंने सुना है कि आप लोग तीन दिन से हमारे एक ही प्रोग्राम बार बार देखने जा रहे थे और बहुत सारे फेसबुक में मैंने ऐसे एक क्रैक कर दिया था कि आई एम लीविंग फॉर फॉर एवर बट आई एम नॉट लीविंग एनी वेयर आई वॉज जस्ट गिडिंग ऑन द फेस एंड बहुत सारे लोग पहचान गए थे कुछ लोग सीरियस भी हो गए थे लेकिन उस दिन उस मज़ाक के बाद मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि आप लोग कितना प्यार करते हैं कि आप सब ने मुझे इतनी दुआएं दी और सब ने रोका भी मतलब मोस्ट ऑफ देम ने रोका कुछ तो चार होंगे जल्दी ली जाए लेकिन कुछ बहुत सारे लोगों ने रोका भी तो आपको बहुत बहुत प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया आज का हमारा टॉपिक अगेन बड़ा ही मज़े का टॉपिक है और अब हम नहीं कहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो हम कोशिश करेंगे हम आज हालात ठीक नहीं थे क्या करते पहुंच नहीं पा रहे थे आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेकिंग एक्सक्यूजेस अब देखें हम नहीं आ पाए इतने सारे प्रोग्राम्स में जो हमारे रिपीट चले उसमें अब हम भी एक्सक्यूज़ तो कर ही रहे हैं कि हालात ख़राब है और इसलिए हम पहुंच नहीं पाए बट अगेन इट्स एन एक्सक्यूज़ अब इज़ इट अ राइट एक्सक्यूज़ और अ रॉन्ग एक्सक्यूज़ वन शुड मेक एक्सक्यूजेज़ और वन शुड नॉट मेक एक्सक्यूजेज़ कभी कभी एक्सक्यूजेज़ लाइफ सेवर भी होते हैं जो रिश्तों को जिंदगी को बचा देते हैं कभी कभी ऐसे एक्सक्यूजेज इंसान ऐसे भंड मार देता है कि जो रिश्ता तो बचता ही नहीं बचता इंसान की जिंदगी में खतरे में आ जाती है तो ये सारी बातें तो हम मैं अपने अब पूछूंगी पूछूंगी लेकिन आज जो हमारे कराची के कॉलर्स हैं वो आज कल हमें कॉल्स कर सकते हैं वाउचर निकलेगा आपका रिकी का लेवल वन के लिए दैट इज वर्थ फॉर सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो विल स्टार्ट अराउंड एट सिक्स ओ तो जो भी रेकी में इंटरेस्टेड है प्लीज स्टार्ट कॉलिंग एंड इफ कॉल नहीं मिलती तो आप वैसे ही हमारे नंबर पर कॉल करके रजिस्टर करवा सकते हैं अच्छा जी मेकिंग एक्सक्यूजेज हम नहीं आए तीन दिन देखिए जो है 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 ना वो एक दू, दूसरे मायने में भी इस्तेमाल होता आपने आपने किसी से टकरा गए तो कहा ठीक, I'm है। sorry, right? ठीक है। Now, हम जिस बहाने की बात कर रहे हैं अगर वो झूठ पर मबनी है तो वो बहाना हुआ अगर हमने कोई बहाना नहीं बनाया तीन दिन जेनवनली कंडीशंस ऐसी थी कि मैं रिस्क नहीं ले सकता था तुम्हें लाने के लिए राइट

तो ये माजरत कुछ और होती है ये बहाना उस सेंस में नहीं है जिस बात के पीछे झूठ हो तो वो बहाना होता है और अच्छा, वो नहीं बोलना चाहिए अच्छा ये जो एक्सक्यूज़ेस हैं अब मैं हम लोग छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे बड़े लेवल से स्टार्ट जहाँ से भी स्टार्ट करें लेट इट ओपन ओके अब मैं हम बात करते हैं स्कूल के बच्चों की ठीक है पहले तो हम सुनते थे पुराने मतलब मेरे जमाने में जो मेरा बचपन था उसमें हम सोचती थी प्याज यहाँ पे रख दूँ अपने आम, अंडर आर्म्स के नीचे तो वो हो जाएगा बुखार चढ़ जाएगा ठीक है अपने के इधर तो बुखार चढ़ जाएगा तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा या फिर पेट का दर्द सर का दर्द अब आज बच्चों के एक्सक्यूज तो है कि आपको हमारे स्कूल के बाहर है ना वहाँ एक बॉम्ब फटा है वहाँ पे ये इलाका है वहाँ पे एंड किड्स आर वेटिंग फॉर देट एक्सक्यूज टू कम कि किसी तरह कोई हड़ताल हो जाए कोई बड़ा हंगामा हो जाए न्यूज पे बच्चे चिपके रहते कल छुट्टी हो जाए तो व्हाट इज दिस एक्सक्यूज पहली चीज तो ये है कि हमारे दौर में जो बहाना होता था वो पेट के दर्द का होता था पहले हमारे दो दौर है हाँ हा, हा। दो दौर है <laughs> मेरे दौर में पेट का दर्द का बहाना होता था आज के दौर में सर दर्द का बहाना होता है क्योंकि अब जो जमाना है वो इंसान को सर में दर्द ज्यादा देता है पेट में कम देता है <laughs> ये चीज याद रखना दूसरी बड़ी अहम चीज ये है कि पहले आप बहाने बनाते थे कोई एक पीरियड स्किप करना है आपने होमवर्क नहीं किया और आपको पता है मार पड़नी है या टीचर ने बाहर खड़ा कर देना अब बच्चा पढ़ना नहीं चाहता हाँ अब एक बहुत खतरे वाली बात यह है कि स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टडीज वो पढ़ना नहीं चाहते तो अब बहाने और हो गए अब बहानों में बहुत सारे बहाने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर किसी को गर्लफ्रेंड बनाना है वो बहाना बहाना इस तरीके से हम वो काम कर रहे हैं कि जो हमारे आने वाला जो मुस्तकबिल है उसको हम खराब कर रहे हैं और एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करूं कि अक्सर जब बच्चे स्कूल नहीं पहुंचते और उनकी लीव ज्यादा हो जाती है तो वाले बच्चों की एप्लीकेशन में झूठ लिख के देते हैं कि जी अब हमारे हालात ठीक नहीं थे या बच्चा बीमार था और डॉक्टर्स आई एम बी सिटिंग ऑन डॉक्टर चैनल एंड आई एम श्योर हमारे डॉक्टर्स पे तो वो ऐसा नहीं करते होंगे बट तीस रुपए देके चालीस रुपए देके और अगर मैक्सिमम अच्छा डॉक्टर हो तो पांच सौ रुपए देके आपको एक सिकलीव बना के तो ये बहाने पे भी आप थोड़ी बात करें बिल्कुल है और ये नहीं होने चाहिए क्योंकि आप मदद करना किसी की अच्छी बात है मगर मदद इस तरह करना कि वो बिगड़ जाए और उसे एक रास्ता मिल जाए जिंदगी में हमेशा भागने का जिम्मेदारी से अपने आप को जान छुड़ाने का ये उसकी शख्सियत को खराब कर रहे हैं उसके मुस्तबिल को खराब कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस तरह के अगर माँ बाप बहाने बना के देते तो ये नहीं करने चाहिए माँ बाप को नहीं करना चाहिए पहले तो बच्ची बात है कि घर के अंदर माँ बाप खुद बहाने ना बनाए शोहर लेट आता है वो बहाने कर देता है बीवी को आज नहीं करना काम उसने बहाना कर दिया उसने पकाया नहीं सहेलियों के साथ फोन पे बात में लगी रही तो उसका टाइम उसने कहा आज ये हो गया बहाना भर दिया खाना नहीं बनाया कम बनाया जो कुछ भी है तो जब घर के अंदर माहौल के अंदर बहाने की बात चलेगी तो बच्चा भी सीखता है आ, बहाने से बच्चा वक्ती तौर पर या कोई भी शख्स बड़ा भी हो वक्ती तौर पर तो उसकी जान बच जाती है फ़ायदा मिल जाता है उसको आ, शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती सिचुएशन को नहीं फेस करना पड़ता बट इवेंचुअली माइंड के अंदर एक इशू ये है कि माइंड जब लर्न करता है कि देर इज़ एन ईजी वे आउट Okay. तो वो हमेशा इजी वे आउट को ऑप्ट करेगा अच्छा. और जब इजी वे आउट को ऑप्ट करेगा तो आदत बन जाएगी पहुंच पाएगा तो क्रिमिनल काम करने लगेगा क्रिमिनल एक्टिविटी में मुबतला हो जाएगा देखो ना हम काम करते हैं कोई हमारे साथ भी काम करते हैं लोग पूरे महीना काम करते हैं किसी को दस हजार तनख्वाह मिलती है बीस मिलती है पच्चीस मिलती है पचास मिलती है मगर एक जुर्म करने से लाखों रुपए मिल जाते हैं एक वक्त में ठीक है तो फिर शख्स जब कोई शख्स नहीं कामयाब होगा जिंदगी में हमेशा तो बहाना तलाश शो तो, well, तो उन बता खोरों से जब हम मिले या उन आ, उन मुजरिम से मुझर, मिले तो उनके पास एक मुलजिम से मिले तो उनके पास एक सॉरी मेरी उर्दू थोड़ी जीप सी है तो उनके पास एक बहाना था कि जी महंगाई बहुत है और हम जी गांव से आए हमारे अच्छा उनकी फैमिली तो गांव में ना तो जी हम अपना पेट नहीं भर सकते तो हमें यही एक रास्ता दिखा कि जिसके जरिए हमारा पैसा आ सके सो डज नॉट नॉट कि आपके पास चूँकि नौकरी नहीं इसलिए आप जरा करेंट जस्टिफाइड होता ही है कि बहाने से इंसान वक्ती तौर पर फ़ायदा उठा लेता है चाहे वो जुर्म करके करे या कोई बात छुपा के करे तो लोग आसानियां ढूंढते हैं ज़िंदगी में कौन मेहनत करेगा कौन मुश्किल उठाएगा कौन मजदूरी करेगा कौन इतनी ख्वानियाँ बर्दाश्त करेगा तो आसान तरीका यह है कि जिस माशरे में अदल और इंसाफ उठ जाए वहाँ फिर जराइम इसलिए पनपता है इसलिए पल फूलता है कि लोग बहाने करके बहाने से मुख्तफ तरीक़ों से बहाने किए जाते हैं नीचे से ऊपर हर जगह बहाना है गैस नहीं आ रही वो बहाना है बिजली नहीं है वो बहाना है बहाने तो ना सारे मैंने आपके, और बता आपके क्या हमारे ऑफिस में एक चीज देखी है कुछ भी हो वट इट इज इवन ऑन स्ट्राइक एटलीस्ट हम ऑफिस जरूर पहुंचते पहुंचने कोशिश होती है ऑफिस पहुंच जाए उस वक्त और ऑफिस पहुंचने के बाद अक्सर ऑफिस में बच्चे जो काम कर रहे थे कर रहे थे लाइट नहीं थी तो मैडम पूरी रात नहीं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ बट उनको पता है कुछ भी हो हमें काम करना है बहाने नहीं चलेंगे।, नहीं चलेंगे हमारे माशरे में बहाने करने वाले भी और अलमिया ये है कि सुनने वाले ज्यादा है और एक्सेप्ट करने करने वाले वाले ज्यादा है असला कॉल ड्रॉप हो गई है सॉरी तो ये जो आप ये जो माशरा हमारा चल रहा है

और मुझे पता था उनका अफेयर चल रहा है अब मैं क्या करूं मैं तो पहले मतलब नज़रअंदाज करती रही इस बात को कि खत्म हो जाएगा और उनके बहानों को भी मानती रही तो इस तरह के जो केसेस होते हैं इसमें या मर्द जो भी हो हजरा मतलब स्पाउस में जो भी हो वो इग्नोर करता है चीज़ों को कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा लेट द पर्सन डू वट द पर्सन वॉन्ट्स टू डू इग्नोर करने में एक रीजन ये होता है कि वो खुद आदमी तहफुज का शिकार होती है ठीक या कमजोर होती है ठीक उसके इख्तियार में कुछ नहीं होता वो कैसे रोके तो वो इग्नोर करती है कि शायद वक्त के साथ साथ ठीक हो जाए ये वगैरह वगैरह अब डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी आपकी अपनी फैमिली कितनी स्ट्रांग है लड़कियों को सबसे बड़ा सपोर्ट अपने वालदेन से होता है बहुत सारे घर ऐसे हैं वो कहते जी बस तुम्हारी अब यहाँ से डोली गई तो अब खत्म उसके बाद हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए माँ बाप को अपनी औलाद को जब तक वो जिंदा है जब तक कर सकते हैं सही बातों पर सही बातों पर हमेशा स्टैंड लेना चाहिए बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए ठीक है अच्छा आपको लगता है ये सोसाइटी के जो सारे रूल्स बने हुए हैं इस वक्त के जी शादी में ये होना चाहिए शादी में ये नहीं होना चाहिए मैम टॉकिंग अबाउट द रिवाज जो हम यूज़ करें नॉट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बट रिवाज कि जी इतना दहेज दो या इतना ना दो ये भी एक बहाना होता है ना कि जी हमें हम तो नहीं दहेज चाहते आपसे लेकिन हम चाह रहे हैं कि जी खानदान वाले जो है वो देखे अच्छा या आप अपनी बेटी को कितना दोगे तो ये बहाने बहाने से चीज़ें मांगने वाले लोग होते हैं ये बड़े कीने से होते क्या होते हैं खुद नुमाई होती है लालच होती है बहुत ज्यादा और ये नहीं सोचते कि जिससे मांगा जा रहा है क्योंकि अब ये भी एक हम अलग ही टॉपिक में बात करें चले गए मगर एनी बहाना तो होता है अब जो अरेंज करके देगा उस लड़की के माँ बाप उनको पता नहीं कितनी तकलीफ होगी तो ये भी ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा दहेज जहेज, मुझे हाँ। जुनीद कह रहे हैं। तो अब हाँ। जहेज में जो चीजें मांगी जाती है बाद दफ़ा माँ बाप जो है वो किस तरह अरेंज करते हैं लोगों को एहसास नहीं है बट ये भी बहाने बहाने, बहाने, साथ बहाने दुछ हाँ, बिल्कुण को बहाने जलील करते हैं बहाने से आप लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं बहाना झूठ पे मबनी होता है बहाना धोखा होता है जब आप किसी को बहाना करते हो बहाना किसी के साथ करते हो तो आप बेसिकली उसको धोखा दे रहे हो वो जो ट्रस्ट जिस जो, जो उसने आप पर किया है उसे तो नहीं पता कि हकीकत क्या है ना उस ट्रस्ट को आप पामाल करते हो उसके भरोसे को आप टेस्ट हो उसके अहतमाद को ठेस पहुंचाते हो अच्छा ये बहाने जो आप कह रहे हैं करने का एक तो हमने भत्ता की भी बात की दहेज की टर्म्स ये भी दहेजेज जहेज की भी हमने बात की दहेज बोलते तो ये मुझे बताएं कि चले आप बहाने से तो ले रहे हो और अगले बंदे को शायद बता भी नहीं चला। सही। और आप एक ऐसी मांग रहे हो जो है। थीके। थीके? तो आप क्या सिखा रहे हो आप अपने घर में दूसरे बच्चों को क्या सिखा रहे हो या घर के दूसरे अफराद को क्या सिखा रहे हो हमें जरूरत नहीं है मगर हम मांग रहे हैं और एक चीज़ रस्म गलत है गैर शरी रस्म है इस्लाम में तो रस्म ही नहीं है ना जायज़ की तो जो मांग रहे हो तो गैर इस्लामी रस्म जब आपने घर में ला रहे हो तो घर के दूसरे अफराद है वो भी इस चीज़ को नोटिस करते हैं अच्छा देखिए जैसे अब हम अपनी नेशन की बात करते हैं लाइक आर पीपल अब हम डोनेशन की बात करेंगे लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद नेशन की बात थोड़ी बोल रहे हम ब्रेक से पहले नहीं कर सकते अच्छा अबू की छोटी सी बात पे एक इतलाफ है मेरा वो कहते हैं आजकल के ज़माने में दर्द सर होता है दर्द पेट नहीं होता पेट में दर्द नहीं होता अब भूख से आजकल बड़ा पेट होता है पेट में दर्द होता है, है। लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही दालें तैंतीस महंगी हो गई हैं तो आजकल शायद पेट में और सर में दोनों जगह एक साथ साइमटेनियसली दर्द चल रहा है हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक कहीं मजा आएगा देखते रहेगा डॉक्टर मोदी बिकॉज बहानों पर बात करेंगे